देखिए स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है। इफ एन एंड पी आर बोथ ओड नंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन नंबर। यहाँ पर हमें हमें याद रखना है कि किसी भी ओड नंबर का हम सम करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो इवन नंबर ही आएगा। देखिए यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल तरीके फर्स्ट ओड नंबर 3 है, जो एन एन इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं और पी इज इक्वल टू 5 लेते हैं, तो 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, ये भी इवन नंबर। अब यहाँ पर हम 5 प्लस 5 लेंगे तो 10 हो जाएगा, वो भी इवन नंबर। मतलब कि यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि किसी भी दो दो ओड नंबर का हम सम करेंगे तो जो हमारा जो आंसर होगा वो इवन नंबर होगा। सो हमारा सो 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 इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एन प्लस पी, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।